400 की शर्ट पहन के, 2000 की पैंट पहन के, 6000 की वॉच पहन के आप सारा दिन कंप्लेन करते हो, बकवास करते हो, ट्यूटी करते रहते हो। आपको और कोई काम नहीं है सारा दिन में सिवाय कंप्लेन करने के, दूसरों के ऊपर ब्लेम देने के, टैं टैं करने के अलावा आपको कोई काम नहीं है। कोई बंदा काम नहीं करना चाहता। हर बंदे का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना आप लोगों का, वो है करोड़ों। बात कर लो, करोड़ की बात करोगे, करोड़ से कम बात नहीं करोगे। ये स्टार्टिंग पॉइंट बनाया हुआ है, लेकिन उस करोड़ को पाने के लिए जो काम करना है वो किसी का दिल नहीं करता काम करने को। हाँ, लोगों की बुलशिट के बारे में ज़रूर बात करोगे, दूसरे को देख के ज़रूर बात करोगे, कोई कामयाब होता उसको देख के ज़रूर कहोगे कि इन्हें खापा लाया होना, लेकिन खुद काम नहीं करना ना। आपको पता है 99% लोग ऐसे हैं जो 1,00,000 भी आपके नहीं कमाते। 99% लोग ऐसे हैं, और वो जो 1% बंदा ना जो इस लेवल पे पहुंच पाता है, वो काम करता है, एफर्ट करता है, मेहनत करता है, फिर जाके उस लेवल पे पहुंच पाता है। लेकिन आप लोगों का मसला है कि आप लोगों ने सोच लिया कि बस गली बाती गाप पूरा करना है, बस गप्पे मारनी है और कुछ नहीं करना जिंदगी के अंदर। आपको हर चीज़ आज चाहिए या कल चाहिए। कोई बंदा भी वो जो मेहनत है, वो जो सीढ़ी है, उसके ऊपर अपने आप को लेके जाने के लिए तैयार नहीं है। जिंदगी के अंदर हर वक्त ची ची करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता है तो दो ही लोगों को पड़ता है, एक आपके रिश्तेदारों को जो खुश होंगे आपकी नाकामी पे, आपको रोता हुआ गिरता देख के, और दूसरे वो लोग जो आपके यार सज्जन है, जड़े खुद थल्ले हो, कहते भाई ये भी थल्ले ही भैया, तू थल्ले ही भैया, दफा कर, की करना। ऐसे लोगों को फर्क पड़ता है। कामयाब होने के लिए एफर्ट करनी पड़ती है। आप जो सोचते हो ना कि कैसे पैसे कैसे आते हैं, आप सोचते हो ऐसे पैसे आ रहे हैं, गड्डी को मैंने बिठाएगा, स्कूटर जे मैं उधर बैठांगा, टक करके आए पैसे को पहुंच जाऊंगा। ये आपका ड्रीम है कि आप इधर बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, और ऐसे ऐसे करके सीढ़ी लगी होगी जिसके ऊपर आप ऑलरेडी आप चढ़ जाएंगे। आपके अब्बा जी ने उधर आपके लिए ऑलरेडी बस लेयर बिछाई होगी ताकि मेरा पोता आए उत्ते आके चढ़ जाए, तो आके पैसे चुप करके फाड़ लाए, करोड़ों रुपया चुप करके फाड़ लाए। इस तरह की आप लोगों की सोच है, लेकिन रियलिटी मेरे दोस्त ऐसी नहीं होती। रियलिटी जो होती है ना, वो ऐसी होती है इधर से ए पॉइंट से जेड पॉइंट के ऊपर जाने में डिफरेंट स्टेप होते हैं जो आपको लेने पड़ते हैं। इधर से आप 20 साल में शुरू करते हो, हर स्टेप के ऊपर आपको मेहनत करनी पड़ती है। कहीं पे सैड होना पड़ता है, कहीं पे गिनना पड़ता है, कहीं पे लटकना पड़ता है, कहीं पे उछलना पड़ता है, कहीं पे फिर जिंदगी आपको नीचे धक्का देके गिराती है, लेकिन फिर आप दोबारा से हिम्मत करते हो, एफर्ट करते हो, फिर दोबारा से चढ़ते हो, फिर दोबारा से गिरते हो, लोग करके आपको इधर खींच लेते हैं इस लेवल पे आके, फिर आप दोबारा से एफर्ट करके ऊपर जाते हो। इधर आके पत्थर भी उठाने पड़ते हैं, कई दफा रास्ते में पत्थर, कांटे, रुकावटें बेइंतहा आती हैं, पत्थर आपको रिकाने पड़ते हैं, पांव आपके छलनी हो जाते हैं, पत्थर से गिर के फिर कभी कभी नीचे गिर जाते हो, फिर दोबारा से आपको उठना पड़ता है उस पत्थर से, अपने रास्ते में उस पत्थर को उठा के अपने रास्ते में रख के सीढ़ी बनानी पड़ती है, फिर दोबारा आप मेहनत करते हो, फिर दोबारा कई दफा ऊपर से नहीं उठाना पड़ता, नीचे से जाना पड़ता है, ऐसे 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 चल के कामयाबी के रास्ते में आपको अपनी मंजिल की तरफ चलना पड़ता है, उल्टा होके उठा होके कहते ना चलना पड़ता है, फिर जाके आप स्टार को हिट करते हो। ये है रियलिटी जिंदगी की। ये जो बुलशिट है ना आपकी, इसको छोड़ दो, ये बुलशिट काम नहीं आएगी। कंप्लेन टैं टैं चैं चैं कुत्ती चिक्का काम नहीं आएगा आपके, करते रहो जितने मर्जी बैठ के। अब आपको एक बात बताऊं, जिंदगी में अगर आपने कामयाब होना है तो आपको मैं चाहता हूं कि आप अपना पॉइंट सोचें कि आपने जाना कहां पे है। ये पॉइंट ये इधर आप खड़े हुए हैं, ये आप सोचें कि आपका पॉइंट जेड क्या है। ये पॉइंट जेड हर बंदे का डिफरेंट होगा। एक आपकी स्टोरी हर दूसरे की स्टोरी से डिफरेंट होगी। एक बंदा करोड़ चाहता है, अरब चाहता है, एक कुछ भी नहीं चाहता, एक सिर्फ चाहता है कि एक अच्छा घर हो, गाड़ी हो, नौकर चाकर हो। हर एक का पॉइंट जी डिफरेंट है। आप इधर बैठ के अपना पॉइंट जी को डिफाइन करें, पॉइंट जी है क्या, जाना कहाँ पे चाहते हैं, यह सबसे पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप जब आप कर लें, फिर उसके बाद उसका फ्रेमवर्क बनाना पड़ता है। फ्रेमवर्क बनाना पड़ता, नहीं तो जिंदगी आपकी रूल जाएगी। मैं आपको बताऊं, एक 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 इडियट बंदा जो है, अगर उसके पास प्लान है, और एक जीनियस बंदा है जिसके पास कोई प्लान नहीं है, इडियट बंदा जीनियस बंदे को क्रॉस कर जाएगा, जिंदगी की जो वार है उसके अंदर जीत जाएगा, क्योंकि सीढ़ी खुद बनानी पड़ती है। विद प्लान आप कामयाब हो सकते हो। आप इधर से अपना प्लान कराओ कि मैंने जाना कहाँ पे है, उसका एक फ्रेमवर्क आपको बनाना पड़ेगा। उस फ्रेमवर्क के बनाने पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेंटोर रखना पड़ेगा, एजुकेशन लेनी पड़ेगी, गाइडेंस लेनी पड़ेगी, और खुद बैठ के जिंदगी को एवेल्युएट करना पड़ेगा। उस वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग जाके आपने अपना देखना पड़ेगा कि आगे मैं कैसे कैसे आगे ले सकता, कौन सी स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए मुझे, कौन सी मुझे स्किल चाहिए। ये जो एज है ना, ये बुलशिट है। एज इंपॉर्टेंट है, राइट एज पे, यहाँ राइट एज पे डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने बोर्ड मिस कर दिया, यानी आप 50 के हो गए या 40 के हो गए तो आप आगे नहीं कर सकते।
आप अभी वैसे भी शुरू कर सकते हो, लेकिन गेम यह कि शुरू यहाँ से करना पड़ेगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। यहाँ से शुरू करोगे तो पॉइंट जी को इधर जाके हिट करोगे। लीनियर लाइन सिर्फ नजर आती है कामयाबी की, जो बंदा कामयाब नजर आता है उसकी लीनियर लाइन सिर्फ नजर आती है, रियलिटी में वैसा होता नहीं है। तो एज मैटर नहीं करता जिस भी एज पे हो, लेकिन ये सोच ले माइंड में कि मेहनत करनी पड़ेगी। वर्क अ लॉट हर वक्त तकरीबन मिनिमम 15 घंटे काम करो, हर रोज 15 घंटे, तब तक जब के लिए कोई और ना आ जाए आपके लिए काम करने के लिए। जब कोई और आ जाए फिर ठीक है, फिर आप फ्री हो जाएं, फिर आप अपनी मैनेजमेंट पे, अपनी वेल्थ की अरेंजमेंट पे, अपनी दूसरी चीज़ों में अयशियों में टाइम लगाएं। और 5 से 7 साल का प्रोसेस होता है प्रोसेस चीज़ों को अचीव करने का। ऐसा नहीं होता कि कल चीज़ आपको मिल जाए। अपना फ्रेमवर्क बना के स्पेशलाइज नॉलेज लेके फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जहाँ जहाँ मुसीबतें आएंगी, जहाँ जहाँ डिप आएगा, वो इस चीज़ की निशानी होती है कि इसके ऊपर आप पाने वाला है। देखिए डिप आया, डिप जो बिल्कुल आप बॉटम पे जब होते हैं ना, फिर दोबारा से आप एक दफ़ा उठते हो, जंप मारते हो, ये किस्मत की सक्सेस की निशानी होती है। फिर दोबारा आप नीचे गिरते हो, फिर डिप आता है, आप समझो कि फिर उठने वाले हैं। जब डिप आ गया समझ लो कि आप उठने वाले हैं, क्योंकि डिप से आगे उठता है बंदा, डिप से आगे उठता है। ये इस तरह से टिक 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 चिक 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 करके बंदा आगे जाता है। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपकी स्टोरी डिफरेंट है दूसरे से, और मेरी बात सुनो, जिंदगी में अगर आपने पैसा चाहिए तो स्पेशलाइज नॉलेज लेना पड़ेगा। विदाउट स्पेशलाइज नॉलेज कुछ नहीं हो सकता। स्पेशलाइज नॉलेज क्या होता है? किसी भी चीज़ का खास तौर पे स्पेशल इंफॉर्मेशन आपके पास हो, उसको खास तरीके से करने का इंफॉर्मेशन हो। कोई मैनेजमेंट भी एक स्पेशलाइज नॉलेज है, लोगों को मैनेजमेंट करना भी स्पेशलाइज नॉलेज है। ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, डॉक्टर, ये भी स्पेशलाइज नॉलेज है। ये हर चीज़ में एक स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए। अगर आपके पास स्पेशलाइज नॉलेज नहीं है तो आप जिंदगी के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। स्पेशलाइज नॉलेज इज द की, यू हैव टू टेक केयर। अगर आपने जनरल नॉलेज लिया है, किसी कुत्ते बिल्ले दे कहन दे, इधर उधर कहन दे, अगर आपने कोई ऐसा नॉलेज ले लिया जो आपको रिक्वायर्ड नहीं था और स्पेशलाइज नॉलेज नहीं है, तो फिर आपको स्पेशलाइज नॉलेज लेना पड़ेगा। आज से सोचें कि आपका स्पेशलाइज नॉलेज क्या है। क्या वो मनी से रिलेटेड है? मनी भी एक स्पेशलाइज नॉलेज है। जैसे मैं मनी पे काम करता हूँ, बिजनेस पे काम करता हूँ, मेरा स्पेशल नॉलेज है कि पैसे नू फाड़ के आए उत्ते पहुँचा देना, बिजनेस को पकड़े आए उत्ते पहुँचा, ये मेरा स्पेशलाइज नॉलेज है। आपका स्पेशल नॉलेज क्या है? अब कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रोफेशनल डिग्रियां ली हुई हैं और डिग्रियां शिग्रियां ली हुई हैं, सारा कुछ किया, लेकिन उन्होंने खसमान खान उन्होंने स्पेशल नॉलेज है ही कोई नहीं। उन्होंने अपने फील्ड का पता कोई नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की हुई है लोगों ने, लोगों ने पता नहीं क्या क्या पढ़ लिख के बैठे हुए, लेकिन पता नहीं हूँ जॉब से जाते हो कहता यार तू की पढ़ के लिख के आया, तेन मामा लैन सीधी मारनी नहीं आती, तू कितों पढ़ के आ गया। होता ना ऐसे, अगर बी ए बंदा होता है आपका, सी ई होता है, वो कहता यार तू कितों सी ए करके आ गया, तू कितने इंजीनियर बन के आ गए, कितों तू आईटी पढ़ के आ गया, मामा तेनू तो लकीर भी सीधी ऐ करके माननी नहीं आती, और तू मैं कहना मैं पढ़िया लिखा। एहो जे स्पेशल नॉलेज जरा ना चूल्हे च पाओ, प्रोपर स्पेशल नॉलेज लेना पड़ेगा। यही वेल्थ की निशानी होती है, इसी तरह बंदा आगे जाता है। अच्छा, वाइट बोर्ड डिग जाता है, इतने विंड चलती है बहुत तेज़, इधर मैं इतना पक्की करके सुइयां भी ला ला ना तो वो उड़ा के ले जाती है, तो इसलिए वाइट बोर्ड गिर जाता है। आप अपनी ज़िंदगी का वाइट बोर्ड मत गिनने दें, ज़िंदगी को प्लान तरीके से फ्रेमवर्क से चाहिए। और कंप्लेन मत करें, मत करें ये चिक-चिक बकवास, बंद करें। कोई कमेंट हो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।